ज्ञानधारा हरसोली चैनल से जुड़े समस्त साथियों को नमस्कार। साथियों, आज फिर एक बार हाजिर हैं आपकी उन समस्याओं को लेकर जो आपके द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछे गए थे। हमारे चैनल पर पहले बार विजिट करने वाले बीएसटीसी, रीट, पुलिस, पटवार और पीटीईटी सहित कॉलेज और स्कूल शिक्षा से जुड़े परीक्षार्थियों के लिए मैं आपको बता दूं। साथियों, यदि आपकी भी इन परीक्षाओं से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट को हम वीडियो में शामिल कर उसके समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आज जो सवाल पूछे गए उन्हें मैं आपको बता दूं। राजस्थान लैपटॉप योजना, स्कूटी वितरण योजना, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की टोटल फीस, इसी के साथ क्या बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम अगस्त माह में कंडक्ट हो जाएंगे, कॉलेज अंतिम वर्ष परीक्षा को लेकर क्या होगा, इससे जुड़े कुछ काफ़ी अहम सवाल आज इस वीडियो में पूछे गए हैं जिनका जवाब हम देने वाले हैं। तो आज की इस स्पेशल सीरीज में जो पहली कमेंट आ रही है वो मैं आपको बता दूं। अब्दुल बसित जी पूछ रहे हैं कि सर सेकंड ईयर बीएसटीसी की फ़ीस कितनी है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो भी साथी हमारे इस समय वीडियो देख रहे हैं कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो फ़ीस है इसके रिलेटेड डिटेल से वीडियो हमने हमारे चैनल पर पिछले साल ही डाल दी थी और इस वर्ष भी हमने इसको अपडेट कर दिया था। आप प्लेलिस्ट में जाइए बीएसटीसी 2019, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपके 2000 तो काउंसलिंग फ़ीस लगती है, इसके बाद 14,555 रुपये आपसे रजिस्ट्रेशन के वक्त कॉलेज आउंटन के वक्त भरवाए जाएंगे चालान के माध्यम से। इसके बाद जैसे ही आप कॉलेज में एंट्री करेंगे या यूँ कहें कि आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के वक्त जाएंगे तो उस वक्त भी आपसे लगभग 5,000 रुपये जमा करवा लिए जाएंगे, वो कॉलेज फ़ीस के नाम से जमा कराए जाएंगे, जिसमें डिटेल से हमने वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन सी फ़ीस वहाँ इंक्लूड की जाती है। वहीं पर यदि अब हम बात करें सेकंड ईयर की, तो साथियों मैं आपको बता दूं सेकंड ईयर के अंतर्गत आपसे टोटल 9,000 रुपये लिए जाते हैं शिक्षण शुल्क के नाम से। इसके अलावा 7,250 रुपये लिए जाते हैं छात्र कोष फीस के नाम से। तो इस प्रकार से आप देखें तो शिक्षण शुल्क जो दोनों ईयर में लगता है लगभग 16,500 और 16,500 के आसपास होता है। लेकिन वहीं कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी 5,000 रुपये आपके अतिरिक्त और खर्च हो जाएंगे यदि आपका कॉलेज सरकारी है तो। यदि आपका कॉलेज प्राइवेट है तो फीस और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। हेमंत कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बीएड और फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर वाले परीक्षार्थी उनको प्रमोट किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। धनराज गुजर, सर आप किसके विषय में रिप्लाई कर रहे हैं। अंतिम वर्ष के पेपर 100% होंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें, तैयारी जारी रखें। अगली कमेंट है कि बीएसटीसी के एग्ज़ाम कब तक होंगे। धनराज जी, मैं आपको बता दूं बीएसटीसी जो प्री है वो अगस्त लास्ट तक होने की संभावना थी लेकिन अब इसके चांस कम हैं। गनी खान जी पूछ रहे हैं सर 75+ वालों को लैपटॉप मिलेगा क्या। देखिए, अभी तक 7500+ में फंडा क्या होता है मैं आपको बताऊं, 7500+ में सभी को लैपटॉप नहीं मिलता है। इसमें इस वर्ष जैसे फिक्स किया गया है कि 29,900 ऐसे छात्र राजस्थान में जो 9वीं, 10वीं और 12वीं के अंतर्गत 75% से अधिक अंक लेकर के आए हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा, ऐसे मेधावी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके। तो इसलिए इसके अंतर्गत 10th और 12th वालों को प्रायोरिटी दी जाती है और ज़्यादा स्टूडेंट्स होने पर वहाँ पर लॉटरी सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है। संतोष याग भी पूछ रहे हैं क्या सर ऑनलाइन स्टडी के लिए साधन उपलब्ध कराएगी। देखिए, सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम इस वर्ष शिक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन टीचिंग के संसाधन मुहैया कराने के भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसकी संभावना बहुत ही कम है क्योंकि साथियों राजस्थान के बहुत से इंटीरियर क्षेत्र ऐसे जहां आज भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके चलते सरकार की ये योजना 100% कारगर होती नहीं दिख रही है। अगली कमेंट है संतोष सियाग जी की, पूछ रहे सर स्कूल कब लगेंगे। स्कूल अभी कोई संभावना नहीं है अगस्त सितंबर तक तो कि स्कूलों में बच्चों को बुलवाया जाएगा। पीपर सर पूछ रहे हैं कि सर पीटीटी एग्ज़ाम डेट कितने दिन आगे हो सकती है। देखिए, गवर्नमेंट का प्रयास है कि अगस्त में ही कराएं लेकिन संभावना कम है, तो आप लगभग मान के चले कि अक्टूबर से पहले पहले तो गवर्नमेंट हर हाल में ये मान के चलिए आपके जो एग्ज़ाम हो वो कंडक्ट करा देगी।
अगली कमेंट आ रही है, शैलेंद्र सिंह पूछ रहे सर बीएसटीसी एग्जाम 30 को होंगे या नहीं। देखिए बीएसटीसी एग्जाम जो आप बात करें अगस्त माह की, तो अगस्त में होने के चांसेज बहुत कम है, फिर भी संभावना है कि अक्टूबर से पहले बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट करा दे। बैरुदान चरण पूछ रहे सर इस बार 12वीं लैपटॉप दिया जाएगा या नहीं। देखिए सरकार का पूर्ण प्रयास रहेगा लैपटॉप दिए जाने का, लेकिन परिस्थितियाँ यदि प्रतिकूल हो जाती हैं तो चांसेज हैं कि इस वर्ष शून्य सत्र घोषित करके और लैपटॉप नहीं भी दिया जाए। लेकिन 75+ वाले जो सरकार ने प्रारंभ में ये कहा था कि लगभग 29,900 लगभग 30,000 छात्रों को ये लैपटॉप देने की योजना थी। रामनिवास जी पूछ रहे हैं कि सर मैं बीएससी सेकंड ईयर कर रहा हूँ और अपने ही ज़िले से और मैं बीएसटीसी करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ बताओ मैं 447 क्रॉस कर दूं। तो रामनिवास जी मैंने पहले भी कहा था आप 420 ही क्रॉस कर दें, आपको आपका निकटवर्ती कॉलेज मिल जाएगा। और काउंसलिंग करते वक्त एक बार सवाल ज़रूर पूछना, उस समय भी हम आपको बता देंगे। सलीम खान जी बिल्कुल लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, हमारी प्रत्येक वीडियो देखते हैं और कमेंट के माध्यम से पॉजिटिव रिप्लाई भी करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी इस प्रकार की प्रत्येक कमेंट को वीडियो में शामिल करने का भी प्रयास करते हैं। संतोष चौधरी पूछ रहे हैं सर जी राजस्थान बोर्ड एग्जाम में कितने प्रतिशत लाने पर स्कूटी मिलेगी। देखिए स्कूटी जो वित्त योजना है वो लड़कियों के लिए, ऐसी लड़कियां जो कक्षा 9 10 11 12 में लगातार सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हैं और 75% से अधिक अंक लेकर के आती हैं और इसके बाद कॉलेज में भी नियमित रूप से अध्ययन करती हैं और उसके माता पिता की आय 1,00,000 से अधिक नहीं है, माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उसको स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अपनी SSO ID से करनी चाहिए। इसके लिए हम आपको पूरी डिटेल अगली वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगली कमेंट आ रही है आशीष सोनी जी पूछ रहे चली जा सर आप प्लीज़ बीकानेर डूंगर कॉलेज से PTET की के बारे में कि 16 को होगी या नहीं होगी एक बार बात करें। देखिए मैं आपको बता दूं बिल्कुल स्पष्ट है परिस्थिति, डूंगर कॉलेज भी इसमें पराधीन है, उसके अधीन कुछ भी नहीं है, परिस्थितियां राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार को लगेगा। मैं अभी बता चुका हूं अक्टूबर से पहले पहले इसको कंडक्ट कराने की पूरी योजना है, लेकिन जैसा WHO कह चुका है कि अगस्त इसका पीक हो सकता है कोरोना का, तो जिसके चलते अगस्त में एग्जाम होने की संभावना कुछ कम नज़र आ रही है। सिमरन यादव पूछ रही सर एग्जाम कब तक होगा। सिमरन जी डिटेल से बताइए किसके एग्जाम की आप बात कर रहे हैं। सूर्या काशले पूछ रहे हैं सर जी मेरी कन्फ्यूजन दूर करो प्लीज़। क्या है सर आपकी कन्फ्यूजन, ये कह रहे हैं कि सर जी DL Ed फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा, फिलहाल आप धैर्य रखें। नामदेव एजुकेशन सर रीट लेवल फर्स्ट में बीड वाले शामिल हो रहे हैं, फिर तो देखिए बिल्कुल नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री जी ने विज्ञान का जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन ये बात कही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं चूंकि सरकार में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, लेकिन फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को शामिल करने के जो चांस है बहुत ही कम है, जैसा कि प्रदेश भर से विरोध हो रहा है, संभावना ना के बराबर है। गोल्ड माइन स्टूडियोज पूछ रहे हैं कि सर जी गुरु जी जिसने बीटेक और बीएससी टीसी दोनों कर रही थी क्या वो सेकंड लेवल में एग्जाम नहीं दे सकते। सर बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि इसने बीटेक का कोई मायना नहीं है, मायना है बीएसटीसी का, डिप्लोमा का, डिप्लोमा आपने फर्स्ट लेवल का ले रखा है तो फर्स्ट लेवल में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बैरुदान जी पूछ रहे हैं सर इस बार लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल देखिए शून्य सत्र घोषित होने के बाद चांसेज कम है, लेकिन फिलहाल संभावना है कि मिल जाए। नेक्स्ट कमेंट पूछ रही है साक्षी हर्षित सर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों का क्या होगा, धैर्य रखें बीएड और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट करने के पूरे चांस हैं। अशुरा जी पूछ रहे हैं सर जी बीएसटीसी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कॉलेज टीसी चल जाएगी क्या, मेरा मतलब है कि मेरे पास बीएससी कॉलेज की टीसी है या मुझे स्कूल से नहीं। टीसी का मतलब होता है आपके आखिरी इंस्टीट्यूट में जहाँ आप रेगुलर पढ़ रहे हैं वहाँ की चाहिएगी, ना कि उस क्लास की जो 12th की, आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी कॉलेज की टीसी चलेगी। नेक्स्ट कमेंट आशीष सोनी जी की हम शामिल कर चुके हैं। अर्जुन सर्विस पूछ रहे हैं सर कि बिल्कुल धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। रवि शर्मा सर आप मेरी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जी, प्लीज़ सर रिप्लाई करें। जनरल से होम डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉलेज कितने नंबर पर मिल जाएगा। देखिए जनरल के लिए आप लगभग मैं पहले कह चुका हूँ 425 या 30 का टारगेट मान करके चलें, तभी आपको संभावना होगी आपको कॉलेज मिलने की। अगली कमेंट पूछ रहे हैं दीपक देवासवाल जी कि बीएसटीसी वाले प्रमोट होंगे क्या, बिल्कुल धैर्य रखें संभावना पूरी है। युवराज चौहान सर आप हार्ड हिंदी मीनिंग का, बिल्कुल युवराज जी आपका सवाल सही है, आगे से जो भी एजुकेशनल वीडियो जाएगी फिलहाल थोड़ा
समय का अभाव है, उसमें हम आपको और क्लैरिफाई करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अतुल जांगुड जी, आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे होते हैं और हमारे प्रत्येक वीडियो को वॉच करते हैं, इसके बाद पॉजिटिव कमेंट करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम आपकी प्रत्येक कमेंट को वीडियो में शामिल करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। देवलाल सैनी जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट कमेंट, शंकर शर्मा जी, धन्यवाद सर आपको। श्याम पारीख, बिल्कुल सर आपकी कमेंट आ चुकी है और BSTC फर्स्ट ईयर वालों का सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। संतोष चौधरी पूछ रहे हैं, सर BSTC एग्ज़ाम 30 अगस्त को होगा क्या? देखिए चांसेज कम है, आप तैयारी लगातार जारी रखें। पप्पू राम चौधरी, डिग्री की वैधता पर सवाल कैसे उठेगा? पप्पू राम जी, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, आप मैं भी चाहता हूँ आप प्रमोट हो, लेकिन संभावना नहीं बनती, क्योंकि आज फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस बात को रिपीट किया कि देश में एकरूपता के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा होना बहुत ही जरूरी है। मुकेश चौधरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। मोनू जी, अभिषेक गौतम जी, सभी का हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव रतन जी, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं, अगर इनके कुछ सवाल है कि अगर किसी की विधाई 10 साल पहले पास हुए और उनके नंबर कम भेजे जाते थे, नंबर भी बारी पर बिना काम से, तो देखिए इसमें अगर परिस्थितियाँ होती है तो इस पक्ष को नहीं माना जाता है, ना ही कोई इसमें बोनस का प्रावधान भी है। तो साथियों, ये थी कुछ आपकी कमेंट्स, आपके सवाल जिनका जवाब इस वीडियो में दिया। जिन साथियों की कमेंट आज शामिल नहीं हो पाई है, वो नाराज ना हो, अगली वीडियो में लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम रेंडमली प्रत्येक जो हमारे चैनल से जुड़े हुए साथी उनकी कमेंट को शामिल करते हैं और उनकी समस्या के समाधान का भी पूर्ण प्रयास करते हैं। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ में, कमेंट करते रहिए और अपने समस्याओं का समाधान भी करवाते रहें। नए साथी जो हमसे जुड़े हैं वो भी जरूर अपनी कमेंट के माध्यम से समस्या को बताएं। साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।